IVF होने के बाद बीटा HCG कब करना चाहिए? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहें इस वीडियो के साथ। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, और बिना किसी देरी के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, जो बीटा HCG ब्लड टेस्ट है ये बहुत ही एडवांस टेस्ट होता है प्रेगनेंसी को पता लगाने के लिए, और सबसे जल्दी ये जो टेस्ट है ये प्रेगनेंसी को पता लगाता है। जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट हैं या फिर अल्ट्रासाउंड है ये बाद में डिटेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी को, बट जो ये ब्लड टेस्ट है सीरम बीटा HCG शॉर्ट में बोलें तो बीटा HCG ब्लड टेस्ट, ये प्रेगनेंसी को बहुत ही जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। जो बीटा HCG ब्लड टेस्ट है ये प्रेगनेंसी हार्मोन को पता लगाता है। ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हार्मोन बच्चा बनाता है जब वो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है अच्छे से, और इम्प्लांट होते ही ये पहला काम इसी हार्मोन को बनाने का करता है। अगर बच्चा इस हार्मोन को नहीं बनाएगा तो अराउंड 5 से 7 दिन के बाद महिला को पीरियड्स आ जाते हैं। अब बात आती है कि जो बीटा HCG ब्लड टेस्ट है ये IVF में कितने दिन पर करना होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि जो आपका IVF हुआ है उसमें आपको एम्ब्रियो कितने दिन पर ट्रांसफ़र किया है। यूजली जो एम्ब्रियो है वो तीसरे दिन या पांचवें दिन आपको ट्रांसफ़र करते हैं अगर आपका फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है। तो मान के चलें कि अगर आपका 3 दिन का एम्ब्रियो आपको ट्रांसफ़र किया है तो आपको बीटा HCG 14वें दिन पर करना होता है। अगर आपका 5 दिन का एम्ब्रियो आपको ट्रांसफ़र किया है तो 12वें दिन पर आपको बीटा HCG करना होता है। अगर बीटा HCG की वैल्यू आपको 200 या 200 से अधिक आती है तो आप ऐसा मान के चलें कि जो आपकी प्रेगनेंसी है एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। इसको कंफर्म करने के लिए आपको बीटा HCG दोबारा से रिपीट करना होता है अराउंड 36 से 72 घंटे में। अगर बीटा HCG की वैल्यू डबल आ जाती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी है एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी है। वहीं दूसरी तरफ जो एम्ब्रियो है वो फ्रोजन एम्ब्रियो आपको अगर ट्रांसफ़र किया है तो जिस दिन आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया है उसके एग्जैक्ट 14वें दिन पर आपको बीटा HCG करवाना होता है। सेम कंडीशन अप्लाई रहती है, अगर 200 या 200 से अधिक बीटा HCG की वैल्यू आती है तो आप ऐसा मान के चलें कि आपकी जो प्रेगनेंसी है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है। और इसको कंफर्म करने के लिए आपको दोबारा से बीटा HCG 36 से 72 घंटे में रिपीट करना होता है। अगर बीटा HCG की वैल्यू डबल आती है तो ये कंफर्म हो जाता है कि जो आपकी प्रेगनेंसी है एक हेल्दी नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अगर बीटा HCG की वैल्यू ट्रिपल आती है, 3 गुना आती है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको ट्विंस प्रेगनेंसी है या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है। बट अगर बीटा HCG की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कम आ रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, जो कि यूजली केमिकल प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रहती होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।